कियामत तक अपनी पावर से खड़ा रहेगा। बस हमारा मोमिनाना मशवरा, अगर आप इज्जत चाहते हैं इस दीन के साथ खड़े हो जाइए। 76 साल आपने फौजी डिक्टेटरों की हुकूमत भी देखी, सिविलियन डिक्टेटर भी देखे, एक बार मोहम्मद अरबी के दीन को भी ट्राई कर लीजिए, बखुदा सब कुछ तीर की तरह सीधा हो जाएगा और दुनिया कियामत तक आपको याद रखेगी और ये कहती रहेगी कि आप वो लोग थे जिन्होंने पूरी दुनिया के साथ टक्कर लेके ये साबित किया कि कोई वाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहे चाह, बुलबुले उड़ जाएंगे सोना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन। कुछ देर बाद आपके सामने अमीर मोहतरम भी तशरीफ लाने वाले और जनरल अहले सुन्नत सैयद जहीरुल हसन शाह साहब भी तशरीफ लाने वाले। बातें तो वो करेंगे आपसे, फकीर तो बस एक पैगाम जो जनाब कई साल से देता आ रहा है कि बोला बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पे कि कौम को ये बात यकीनन समझाई जाए कि सब फना हो जाएंगे काफी वाले के हश्र तक नात हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। ताजदार खत्म नबूवत, अल्लाह ताला से दुआ है मालिक करीम अपने करम से अपने फजल से अहले सुन्नत की इस अजीम दीनी दरसगाह को अपने फयूज़ व बरकात समेत सुबह क़ियामत तक बाकी रखे और पूरी दुनिया तक इसका फैज़ पहुँचाए और यहाँ से रसूलुल्लाह के ग़ुलाम जो दीन नाफिज करने वाले हों उनकी खिदमात मालिक करीम दीन के लिए देने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको हुजूर का दीन तख्त पे देखना नसीब फरमाए। गजा के मजलूमों की अल्लाह ज़ाहरी और बातनी मदद फरमाए।